मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, शनि पर बात चल रही है। शनि एक ऐसे ग्रह है जो किसी का दोस्त नहीं है, न किसी का दुश्मन है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। शनि एक ऐसे ग्रह है जिसके बिना या जिनकी कृपा के बिना आप और मैं, आम हो या खास, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। देखिए, मकान बनाते हैं शनि का अधिकार, थावर कीजिए थापना, यानी जब थावर यानी शनि आए तो थापना कीजिए यानी मकान बनाइए। बुध कीजिए व्यापार, बुध मजबूत हो आए तो व्यापार करिए। हम मकान बनाते हैं शनि का अधिकार है, गाड़ी लेते हैं लोहे की, शनि का अधिकार है। आयरन, केमिकल्स, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोल, प्रॉपर्टीज, मशीनरी, ये सारे, मेडिकल पर भी, इन सब पर अधिकार शनि का है। इन सब के बिना हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? तो हमें शनि पर तो मेहरबान होना ही पड़ेगा, यानी शनि को हमारे ऊपर मेहरबान होना पड़ेगा और हमें शनि पर आश्रित होना पड़ेगा। तो शनि शिगणापुर की बात चल रही थी पिछली बार, जो कि महाराष्ट्र में है। धारणा ये है वहां उस मंदिर की कि इस क्षेत्र में लोग घर, दुकान आदि पे ताले नहीं लगाते हैं, और जो ताले लगाए उनको कोढ़ का रोग हो जाता है, कुष्ठ रोगी हो जाते हैं, और जो कोई वहां चोरी करने का प्रयास करता है उसमें से कई लोग अंधे भी हो गए हैं। इसके साथ हाथ पैर शिथिल और निष्क्रिय हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं आप। इस स्थान पर कोई भी भक्त रात्रि में निवास नहीं करता है, बाहर का व्यक्ति। यहां पूजा के लिए जो भक्तगण आते हैं उन्हें पहले लाल गमछा पहनाकर स्नान करवाई जाती है, फिर वहीं भीगा गमछा पहनकर पूजा के लिए जाते हैं। एक हाथ में तेल से भरा कटोरा हो रहता है और दूसरे हाथ में मुकुट, दाना, फल, अगरबत्ती आदि रहते हैं। सर्वप्रथम सरसों या तिल्ली के तेल से अभिषेक होता है, उसके बाद अन्य सामग्रियां अर्पित की जाती है। यह पूजा शनि से विशेष रूप से पीड़ित व्यक्ति करते हैं, उन्हें सामान्य नियम का पालन करना पड़ता है। विशेष व्यवस्था में उड़द की दाल का बड़ा बनाया जाता है तथा बड़ा तेल से निर्मित होता है। उस बड़े को, यानी पकौड़े जो हम बोलते हैं, उस बड़े को उनके गले में डाल दिया जाता है। यह पूजा एक बार कर लेने पर भक्त शनि की वक्र दशा से कई प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सामान्य पीड़ा, नॉर्मल पीड़ा हो, नॉर्मल तकलीफ हो, केवल दर्शन मात्र से ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसी पावन धरती पर इस बार शनि जयंती के महापर्व पर मैं और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष शनि शांति साधना करवाई जा रही है। आप सभी सादर आमंत्रित है। आप शनि शिगणापुर की पवित्र नगरी में हम और आप मिलकर करेंगे शनि देव को प्रसन्न और प्राप्त करेंगे उनका आशीर्वाद। मेरे सभी प्रिय दोस्तों, शिष्यों, साधकों और चाहने वालों, जीवन के अच्छे समय में शनि देव का गुणगान करो। आपातकाल में, कष्ट समय में शनि देव के दर्शन करो। मुश्किल समय हो, जब लगे कि कोई रास्ता ना हो, तो शनि देव की पूजा करो। संकट की घड़ी में भी शनि देव पर विश्वास रखो कि वो आपकी मदद करेंगे, और जीवन के हर पल शनि देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। जब भी किसी से अपने गुणगान करो तो बोलो, आज मैं जो कुछ भी हूं, माता पिता, अपने इष्ट देव और शनि देव की कृपा से ही अच्छा हूं। उसे भूलिए मत, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी शनि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण व रोचक ऐसी जानकारी आपको बताई थी जो कि आपके बहुत काम की है। आज मैं एक विशेष आपको बातें बताने के लिए, शनि देव की विशेष कई ऐसे किस्से, कई जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आया हूं, जिससे आपका जीवन सफल हो सके, सुंदर हो सके, सुखद हो सके। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय की। देखिए, शनि देव को तेल चढ़ाते वक्त किन विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए? शनि देव की प्रसन्नता के लिए तेल चढ़ाने के साथ ही शनि संबंधित वस्तुओं का दान देने की सलाह अक्सर ज्योतिषी देते आए हैं। तेल चढ़ाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि तेल चढ़ाने के भी कुछ नियम या ऐसी खास बातों का ख्याल रखें जिनका ध्यान रखने से हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है, पाप मुक्त हो सकते हैं, कष्ट मुक्त हो सकते हैं, दुख, दरिद्रताएं, गरीबी सब खत्म हो सकती है। शनि देव को हमेशा लोहे के पात्र से ही तेल चढ़ाना चाहिए। शनि देव को सरसों या तिल्ली का तेल ही चढ़ाएं। तेल चढ़ाते वक्त
ध्यान शनि देव के चरणों पर रखें, उनकी आंखों की ओर मत रखिएगा गलती से भी। तेल चढ़ाते समय शनि देव से सुख शांति के साथ ही उनकी कृपा दृष्टि, उनकी शुभ दृष्टि की प्रार्थना करते हुए मन ही मन उनका ध्यान करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। शनि देव को तेल चढ़ाते समय पवित्रता, शुद्धता तथा स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। चढ़ाया हुआ तेल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी तन और मन और तेल तीनों स्वच्छ होने चाहिए, तब ही शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। अगला विषय है कि शनि देव शनिवार के दिन काले कपड़े क्यों पहनने जाते हैं। कई पंडितों को मैंने देखा है कि शनिवार को काले कपड़े मत पहनना, शनिवार को नीले कपड़े मत पहनना, शनिवार को लोहा मत लेना, ना किसी को देना, ये सब बातें मूर्ख बनाने की है। देखिए, शनि का वस्त्र ही काला और नीला है, उसे अगर शनिवार को आप पहनते तो शनि आशीर्वाद देंगे या दुखी हो जाएंगे आपसे। अक्सर आपने सुना होगा कि कई लोग वार के अनुसार कपड़े पहनते हैं, वैसे ही शनिवार के दिन आमतौर पर शनिदेव का आशीर्वाद या फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग काले नीले या डार्क कलर्स के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों है? शनिदेव न्याय के देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव पर किसी की कृपा बन जाए तो रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती है, लेकिन अगर शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाए तो इससे व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनिवार के दिन गहरा काला, गहरा नीला, गहरा भूरा, गहरा जामुनी, बैंगनी कलर जो काले कलर के समान दिखाई दे, वैसे रंग के कपड़े, वैसे रंग के चीज़ों को शनिवार को इस्तेमाल करना चाहिए, शुभ माना जाता है, यानी डार्क कलर्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव स्वयं काले रंग के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें यह रंग सर्वाधिक प्रिय है। जो उनको प्रिय है वो हम पहनेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, इसीलिए इन रंगों के कपड़े पहनने से व्यक्ति आत्मविश्वासी और उत्साहित बनता है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि शांति आती है और घर में खुशियां बनी रहती है। अगला मेरा विषय है, ध्यान रखिए कि कौन से लोगों के बारे न्यारे कर सकते हैं शनिदेव। थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार, यह कहावत मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में प्रयोग में ली है कि किसी भी स्थायी चीज के लिए शुभ मुहूर्त शनिवार को अगर आता है तो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे नींव का मुहूर्त मकान बनाने या फैक्ट्री बनाने के लिए, और विवाह जैसे शुभ व स्थायी कार्य शनिवार के दिन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। नमक अगर आप शनिवार को घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए आप घर में कर्ज लेकर आ रहे हैं। देखिए, भोजन का स्वाद तब मधुर आता है, तब मस्त होता है, जब उसमें प्रॉपर सही मात्रा में नमक पड़ा हो। नमक अगर आप शनिवार को घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए आप घर में कर्ज लेकर आ रहे हैं। आपको कर्ज लेना हो तो आपको ये शनिवार के दिन नमक लाना चाहिए, इसीलिए शनिवार के दिन भूल कर भी नमक का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शनिवार के दिन लकड़ी घर पर कभी ना लेकर आए, पुराना फर्नीचर, पुरानी लकड़ियाँ कई लोग अपने घर की छतों पर डाल देते हैं जो बारिश में भीगती है। उनको यह नहीं मालूम कि शनि का जो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है वो इसी चीज़ में होता है, इसीलिए टूटी फूटी लकड़ी, फर्नीचर घर आदि दुकान में ना रखें और ना ही शनिवार के दिन लकड़ी को खरीदना चाहिए। घर में लकड़ियाँ पड़ी है, शनिवार के दिन आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, शॉर्ट सर्किट, आग, चोरी, डकैती, सारा डिपार्टमेंट शनि का है, इसलिए ये नहीं रखना चाहिए। शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन तेल भगवान शनि पर चढ़ता है जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन शनि प्रतिभा पर तेल चढ़ाने से शनि का दुष्प्रभाव कम होगा, कर्ज खत्म होगा, घर में बरकत आएगी और तरक्की ही तरक्की होगी। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 15 एवं 31 मई दिल्ली, संपर्क करें 6542-0685, 6454-625, 20 व 21 मई मुंबई, संपर्क करें 9324-27-2446, 9322-377-660, 22 व 23 मई औरंगाबाद, संपर्क करें 9850-632638, 9922-103907,
25 मई जबलपुर, संपर्क करें 9907943952। 9 मई चेन्नई, 10 मई हैदराबाद, 16 मई देहरादून, 17 मई हरिद्वार, 18 मई हल्द्वानी, 24 मई रायपुर, 26 मई आगरा, 27 मई पटना, 1 जून लखनऊ, 2 जून कानपुर, 3 जून बनारस। संपर्क करें 02915190000, 9314728165। क्या आपको गुरुदेव सुरेश माली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश माली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 2432625, 9829026625। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले विषय की तरफ। मैं बात कर रहा हूं कि शनिवार को आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, शनिवार के दिन ना तो काली उड़द घर लेकर आए और ना ही उसे बनाएं और ना ही किसी को देनी चाहिए। पर जब भी आप शनिदेव की पूजा अर्चना करने जाएं, काली उड़द साथ जरूर लेकर जाएं। लेकिन अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपके लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। आप शनिवार को उड़द बेच सकते हैं। चमड़े से बनी कोई भी वस्तु, जैसे पर्स, जूते, बेल्ट, बैग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसी कोई भी चीज़ शनिवार के दिन घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी के मंदिर में से जूते कोई और ले गया है तो आप किसी और के जूते या चप्पल पहनकर नहीं आए। कई बार होता है कि मेरा जूता कोई लेकर गया तो मैं आप किसी और के जूते लेकर जाऊँगा। अगर कोई ले गया है तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आपका एक कष्ट था जो चप्पल जूते के माध्यम से निकल गया, आपकी पनौती लेकर गया है। और हो सके तो अपनी पुरानी जूते या चप्पल भिखारियों को देना चाहिए। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, इसलिए आपने रखी है, शायद कभी काम आएंगे। उसे बाहर निकालिए, जब काम आएगी तब नहीं लेकर आएंगे। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आज दोगे तो उसके काम आएगी, आशीर्वाद मिलेगा। हमेशा परिवर्तन करते रहिए, पुरानी चीज़ों को निकालिए, इंसान के अलावा सारी चीज़ों को, और नई चीजें लेकर आइए, जिससे आपके शनि के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। घर में बेकार पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं रखना चाहिए। यह सारी चीजें भी शनि को दुखी करती है, शनि को परेशान करती है। बंद घड़ी, रुक रुक के चलने वाली घड़ी घर में नहीं होनी चाहिए, तुरंत ठीक करानी चाहिए। नाखून और बालों को शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन नहीं काटने चाहिए। शनिवार के दिन बाल और नाखून कटवाने से घर में गरीबी, तकलीफें, परेशानियां लेकर आते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। शनि देव की पूजा करने से मिलती है खूबसूरती। देखिए, पुरुष है तो हैंडसम बनना चाहता है, महिला है तो वो चाहती है अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत बने। यह तो सभी जानते हैं कि शुक्र सुंदरता का कारक ग्रह है, शुक्र खूबसूरती देते हैं। लेकिन हम अगर डीप में जाएं, थोड़ा सा गोता अंदर लगाएं, तो कॉर्निया का जो मेन कारक है वो शनि होता है। बालों का भी मेन कारक, मुख्य कारक शनि होता है। इसीलिए शनि की पूजा करने से भी सुंदरता मिलती है। सुंदरता आंखों से बड़ी आती है, तो जिनकी आंखें सुंदर होती है उनके शनि देव मेहरबान होते हैं। जिनके बाल काले घने होते हैं उनका शनि मेहरबान होता है। अब आपके सफ़ेद बाल आ चुके हैं, इसका अर्थ ही नहीं शनि आपको दुखी कर रहा है, वो हेरिडिटरी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। साथ ही शनिदेव की आराधना करने से आंखों और बालों से संबंधित समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। शनि की पूजा करने से एक अट्रैक्शन आता है, एक तेज आता है, ओज आता है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, आप बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, बहुत जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां वगैरह बहुत लेट आती है। अब आगे बढ़ते हैं। शनि बनाएंगे आपको सेहतमंद। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और निरोगी काया से बड़ा वरदान नहीं है। सारी खुशियां तभी मिलेंगी जब परिवार और परिवार के लोग सेहतमंद होंगे। अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो क्या किया जाए?
अगर घर के सारे लोग पैसा कमाते हैं, ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा बीमारी में खर्च हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगा कि परिवार में सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है, वैदिक उपचार कौन कौन से हो सकते हैं। शनिदेव नौ ग्रहों के कारक ग्रहों में बुजुर्ग के कारक ग्रह हैं। बीमारियों का कारक तो है ही, पापी ग्रह होने की वजह से दंडनीय भी है। और बुजुर्ग के कारक होने के साथ साथ हम अगर किसी जन्म कुंडली में शनि कमजोर देखें, तो शनि की दशा अगर कमजोर चल रही हो तो हमें बुजुर्गों की सेवा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ा लाभ मिलता है। लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम अनाथ आश्रम में भेज कर आते हैं, जो बुजुर्ग आश्रम होते हैं वहां भेज कर आते हैं। लेकिन वहां पर कौन लोग जाकर सेवा करते हैं? मैं, आप जैसे कई ऐसे लोग हैं, मैं तो खैर बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूं, करता भी हूं, लेकिन आज वो विषय नहीं है। तो मैं वहां पर जाकर मदद करता हूं। उनको अपनी औलाद का सुख नहीं है, लेकिन हमारी वजह से कैसे सुख मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पुण्य कैसे कमाया जाता है। कैसे लोगों की मदद करेंगे तो ईश्वर मेहरबान होंगे, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो चार गुना मेहनत करेंगे। आप लोग अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा जरूर करिए, उनका कहना मानिए। सेवा, और वो भी अंधों और कौड़ियों की अगर आप सेवा करते हैं तो और भी लाभ मिलता है, जिससे शनि और आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, लोगों के कल्याण का काम हो रहा है, वहां पर तेल दान करिए। बिना उनकी सेवा किए, बिना तेल दान किए, बिना बुजुर्गों की सेवा किए हम लाख उपाय कर लीजिए, कई दुनिया भर के मंत्र जाप पढ़ लीजिए, चारों धाम की यात्रा 40 बार कर लीजिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए शनिदेव को मनाने के लिए उनसे संबंधित बड़ों के आदर और सम्मान और सेवा करनी चाहिए। लंबे समय से घर में कोई बीमार चल रहा है, जैसे नसों में तकलीफ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हमारे नर्वस सिस्टम में कोई तकलीफ है तो, और घुटनों में दर्द है, पैरों में तकलीफ है, हड्डियों में तकलीफ है, तो समझ लीजिए शनि आपके लिए दुखदायक बने हुए हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा उपाय बताने जा रहा हूँ। एक काले कपड़े में एक चम्मच काले तिल, काली सरसों डालकर एक पोटली बना लीजिए और रोगग्रस्त व्यक्ति के ऊपर से 27 बार उवार कर, यानी इस प्रकार से जैसे करते हैं, पोटली को पीपल के पेड़ में रख आइए। घर आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखना है और ना ही किसी से बात करनी है। कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपको मिल गया जो आपको पीछे से बुला रहा है, आप बात ही मत सुनिए, भले वो नाराज हो जाए। घर आकर हाथ पैर धोकर कुल्ला कर लीजिए, मुंह को साफ कर लीजिए, कष्ट खत्म। रोगी व्यक्ति का हाथ लगवाकर वृद्ध भिखारी को काली कंबल या छड़ी दान करनी चाहिए। आप देखिए, छड़ी कोई बहुत महंगी नहीं होती, आप बाजार से खरीद कर लेकर आइए, शनिवार को देखिए कौन बुजुर्ग मिलता है उसको दान करिए, बैसाखी दान करिए, लाभ मिल जाएगा। और लाभ मिले न मिले, आत्मा को शांति जरूर मिलेगी, वो शांति मिल गई तो उससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है। शनिवार के दिन मछली को चने जरूर खिलाने चाहिए, आटे की मोटी या छोटी रोटी बनाकर उस पर घी और गुड़ रखकर शनिवार को शनि मंदिर के बाहर रख दीजिए, जिसकी इच्छा होगी वो खा लेगा। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाकर वापस शनि देव से रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। रोटी को प्रसाद के रूप में खुद खा लीजिए या फिर किसी को बांट दीजिए। याद रखिए, यदि सब कुछ होने पर भी मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है और उससे आप ठीक हो जाएंगे, तो श्रीमान धीरूभाई अंबानी अभी तक जिंदा होते। इसका अर्थ क्या है, उनसे ज्यादा अमीर तो उस वक्त कोई नहीं था, वो भी नहीं बच पाए। बड़े से बड़े रईस हैं, बड़े से बड़े संत महात्मा जेल में बैठे हैं, अस्वस्थ है, हॉस्पिटल जाकर देखिए, ठीक नहीं। वो कहते हैं मेरा सारा धन ले लो, मुझे स्वस्थ कर दो भगवान। लेकिन अब स्वास्थ्य की कामना क्यों करनी, जब सुखी थे तब आपको कर्म करने चाहिए थे। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है तो शनि शिगणापुर आइए हमारे साथ, और विशेष हम सब मिलकर साधना करेंगे और 25 मई के इस अवसर को हम यादगार बना दें। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए शनि को प्रसन्न करना चाहिए। शनि को प्रसन्न करना ही बहुत बड़ा धन होता है। दोस्तों, जितने भी लोगों का एक्सीडेंट होता है, आग लगती है, चोरी होती है, बीमार होते हैं, ऑपरेशन होता है, कैंसर जैसा रोग होता है, ऐसा रोग जो एक बार हो गया वो बढ़ता रहता है, ये सारा डिपार्टमेंट शनि का है। तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि आग लगी, घटना हुई, लेकिन आप बच गए, ऐसा क्या कारण है? अभी मैं एक दुर्घटना बताता हूं आपको। हमारे राजस्थान में उदयपुर में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है। मेरे साथ वो पढ़ता था आज से 25 साल पहले, मैं 20-22 साल से उससे मिला नहीं। वो अपने काम में व्यस्त था, विदेश यात्राएं सब कुछ करता था, लेकिन ऐसा सुनने में आया
कि उस व्यक्ति ने इतनी तेज रात को 11:30 बजे के आसपास गाड़ी चलाई कि उदयपुर की फतेह सागर लेक के अंदर वो गाड़ी जाकर गिर गई। उसमें 2 लोग सवार थे, एक वो, एक उसका साला। साला बच जाता है और उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, और 2 एक्सीडेंट उसके पहले हो चुके थे। यानी आपको सबक लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं माना और फिर वही कर्म किए, तो शनि ने आपको काल के मुंह में भेज दिया। दूसरा व्यक्ति बच गया। एक ही एक्सीडेंट में एक व्यक्ति बचता है, दूसरा मौत के घाट चढ़ जाता है। कारण क्या है कि आप शनि को पूजते नहीं है। शनि को पूजना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऐसे कर्मों से अपने आप ही बचते चले जाएंगे। वो आपको बचाकर लेकर जाएंगे काल के मुंह में से। कैसा भी दुश्मन आपके पीछे पड़ जाए, शनि बचा लेंगे। लेकिन अगर आपने उनको नहीं पूजा, उनको धन्यवाद नहीं दिया, तो वो नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी एक नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग जब भी ये बात कहें, कोई आपको पूछे भाई कैसे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद है, शनि देव की विशेष कृपा है आप पर, आप याद तो करके देखिए, फिर देखिए चमत्कार। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा शनि शिंगणापुर में 25 मई को विशेष साधना शिविर में। आप सब आइए, हम सब मिलकर शनि देव को प्रसन्न करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो हमारे सारे वीडियोस को आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब करिए तो और वीडियोस की जानकारी मिलेगी, Facebook से जुड़िए, हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करिए ताकि आपको इस शिविर की, इस विशेष आयोजन की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02951 5100 00 243 2625 9829 02 6625 8959 8956 25 ईमेल info@grahukakhel.com.in वेबसाइट www.grahukakhel.com.in।